आपने आटे की बर्फी, आटे का हलवा, आटे के लड्डू तो कई बार खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी आटे का पेड़ा खाया है? एकदम हलवाई स्टाइल दानेदार, मुंह में जाके बस घुल जाने वाले ऐसे आटे के पेड़े जो खाने में जितने स्वादिष्ट है बनाना उतना ही आसान। ना कोई चाशनी बनाने की झंझट, ना कोई खोया, ना कोई मावा, ना कोई दूध, ना कोई मलाई। बहुत बहुत कम चीज़ों के साथ में बना हुआ ये स्वादिष्ट आटे का पेड़ा, जिसे खाने के बाद में आप मार्केट के पेड़े को साइड में कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। आटे का पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर रखेंगे पैन या कढ़ाई, लेकिन जो भी बर्तन लेंगे थोड़ा सा भारी तले का लेंगे। इसमें डाल देंगे हम 1 कप भर के गेहूं का आटा, वही आटा जिससे हम रोटी पूड़ी पराठा बनाते हैं। अगर नाप से कहें 200 ग्राम मैंने यहाँ पे आटा लिया है। आटा डालने के बाद में हम गैस को ऑन कर देंगे। अभी को धीमी आंच पे हम आटे को भूनेंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। अभी आटे को हल्का सा भून लेते हैं, उससे एक फ़ायदा होगा, घी बहुत कम लगता है और आटा बहुत अच्छे से भून जाता है। लेकिन आपने इस टाइम पर घी डाल के आटे को भूना तो आटा उतना अच्छे से भूनता भी नहीं है, घी बहुत सोक कर लेता है। उससे क्या होता है, घी भी बहुत लगता है, टाइम भी बहुत लगता है। टाइम कम लगे, घी कम सोक करे और पेड़ा हमारा बहुत बहुत टेस्टी बने, तो उसके लिए हम 4 से 5 मिनट के लिए भी को धीमी धीमी आंच पे आटे को अच्छे से भून लेते हैं। और यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मैंने आटे को भी को धीमी धीमी आंच पे टाइम दे के अच्छे से भून लिया है। आटे में बहुत अच्छी महक आ रही, साथ में आटे का जो कलर हल्का चेंज हो गया है, तो आटे को हमें इतना ही भूनना है। अब इसमें हम घी डालेंगे फिर भूनेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी लिया है। अभी हम सारा घी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा डाल देंगे, अच्छे से मिलाएंगे। जब घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा आटे में फिर ऐड करेंगे। इससे घी बहुत कम लगता है लेकिन आटा बहुत अच्छा भुन जाता है। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच डाल दिया है। अच्छे से मिलाते हुए आटे के अंदर हम घी को मिला देंगे ताकि आटे के अंदर घी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर जो हमने घी डाला था, देखिए आटे के अंदर कितने अच्छे से मिक्स हो गया है, आटे का जो कलर हल्का चेंज हो गया, साथ में बहुत अच्छी महक भी आ रही है। तो ऐसे हम फिर से डाल देंगे इसमें 2 चम्मच देसी घी, अच्छे से मिला देंगे। इस तरीके से घी बहुत कम लगता है, साथ में मिठाई बहुत बहुत अच्छी बनती है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे फॉलो करिएगा, आपकी मिठाई बहुत बहुत अच्छी बनने वाली है। तो करछी से दबाते हुए हम आटे के अंदर घी को मिलाएंगे ताकि घी का जो फ्लेवर है आटे में अच्छे से आ जाए। तो बस अच्छे से मिलाते जाते हैं, भूनते जाते हैं, गैस को भी को धीमा रखेंगे। और जैसे जैसे हम आटे को भूनते जाएंगे, आटे का जो कलर है देखिए कितना डार्क होना शुरू हो गया है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल लो फ्लेम पर आटे को भूनिए। इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच देसी घी और। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 से 5 चम्मच देसी घी यूज़ किया है, इतना बिल्कुल परफेक्ट है, आप चाहें तो और डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आटे को बिल्कुल धीमी आंच पे अच्छे से लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि आटे का जो कलर है चेंज हो जाए लेकिन आटा जले नहीं। और यहाँ मैंने आटे को घी के साथ में अच्छे से भून लिया है, एकदम धीमी धीमी आटे भूनते हुए 15 से 20 मिनट लग गया, लेकिन आटे में बहुत अच्छी महक आ रही, साथ में अच्छे से कलर भी आ गया है। तो हम गैस को बंद कर देंगे, लेकिन इस टाइम पे आटा बहुत गर्म है तो हम इसको पैन में ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम पैन में ही हल्का चलाते हुए हल्का ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिसके बाद हमारा जो पेड़ा बनेगा बहुत बहुत टेस्टी बनेगा, एकदम मार्केट को टक्कर देने वाला। और यहाँ मैंने पैन में ही आटे को चलाते हुए कलछी से हल्का ठंडा कर लिया है, लेकिन अभी आटा बहुत ठंडा नहीं हुआ है। तो इस टाइम पर हम पेड़े के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर का। इससे जो पेड़ा बनेगा बहुत बहुत टेस्टी बनने वाला है, एकदम मार्केट को टक्कर देने वाला। लेकिन अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं या किसी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो अभी आटा बहुत गर्म है तो हम मिल्क पाउडर को अच्छे से मिलाएंगे ताकि मिल्क पाउडर का जो फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, क्रीमीनेस होती है, वो अच्छे से आटे में आ जाए। और यहाँ पर आटे के अंदर मिल्क पाउडर को मैंने अच्छे से मिला दिया। ये देखिए आटा और मिल्क पाउडर एक साथ हो गया है, एकदम परफेक्ट। साथ में जो हमारा आटा है वो भी हल्का ठंडा हो गया है। अगर आपको लगता है गर्म है तो ठंडा कर लीजिएगा। साथ में टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हरी इलायची का पाउडर। साथ में अपने पेड़े को भी को मार्केट जैसा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 चुटकी नटमेग यानी जायफल, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए बहुत कम डालेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं। और यहाँ मैंने सारे फ्लेवर को आटे में अच्छे से मिला दिया, एकदम परफेक्ट। अब डाल दी इसमें हम मिठास के लिए चीनी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप चीनी का बूरा, जिसको हम तगार बोलते हैं। ये आपको किसी मार्केट में आराम से मिल जाएगा। इसे स्पेशली लड्डू और पेड़े में डाला जाता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास चीनी का बूरा या तगार नहीं है तो आप चीनी को मिक्सी में डाल के पीस लीजिए, आपका चीनी का बूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो कलछी है इसको हटा देंगे, कलछी की जगह पर हम हाथों का यूज़ करेंगे। और इस तरीके से हाथों से मसलते हुए हम आटे के अंदर बूरे को मिलाएंगे। इससे जो हाथों की गर्माहट होती है इससे बूरा बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे हलवाई लोग करते हैं ना, मिठाई को रगड़ते हुए मिलाते हैं, वो जो फ्लेवर आता है वो हाथों से ही आता है।
तो हाथ उसे मसलते जाएंगे ताकि अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। तो मिला लेते हैं इसको पहले, और यहाँ पे हाथों से मसलते हुए रगड़ते हुए हलवाई स्टाइल मैंने चीनी के जो बूरा था उसको आटे में अच्छे से मिला दिया है, एकदम परफेक्ट तरीके से मिक्स हो गया है। और ये देखिए कितने अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बाइंड नहीं हो रहा, टूट रहा है, तो आप घी को हल्का सा मेल्ट कर लीजिए, उसके बाद डाल दीजिएगा ऊपर से, ताकि जो बाइंडिंग नहीं हो रही बाइंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बाइंडिंग हो रही है। तो अब हम बनाएंगे इसके बहुत बहुत टेस्टी नरम मुलायम पेड़े। तो आप पेड़े का शेप दे सकते हैं जैसे भी आपको देना है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और मुठिया स्टाइल में बना रही हूँ, जैसे लंबे लंबे पेड़े होते हैं ना मथुरा वाले, बिल्कुल वैसे ही। तो ये देखिए मैंने हाथों से दबाते हुए रोल करते हुए एक पेड़े को बना कर तैयार कर लिया है, एकदम परफेक्ट। ऐसे हम सारे पेड़े को बना कर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए मैंने यहाँ पर सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। एक कप आटे में हमारे इतने सारे पेड़े बन गए हैं। देखिए कोई नहीं कह सकता कि इसको हमने आटे से बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट खोए वाले पेड़े लग रहे हैं। तो अभी पेड़े बन गए हैं, लेकिन इनको मार्केट से टेस्ट देने के लिए, टेक्सचर देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच चीनी का बूरा, जिसको हमें तगार बोलते हैं, जिसको हमने पेड़े में यूज़ किया था। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया थोड़ा सा, इसको हम पेड़े में कोट करेंगे। जिस तरह से मिलते ना मार्केट में ऊपर से चीनी का बूरा लगा होता है, जो खाने में बहुत बहुत क्रंची रहता है, तो यहाँ मैंने हल्का सा कोट कर लिया है, एक्स्ट्रा निकाल देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पेड़े को कोट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा एक बिल्कुल हलवाई स्टाइल आटे का जो पेड़ा है बनके तैयार हो गया है। ऐसे हम सारे पेड़े को तगार में कोट कर लेते हैं। तो यहाँ तो मैंने शेयर किया आपके साथ में घर में रखे सामान से आटे के पेड़े, जो कि बहुत बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपके साथ में आगे और कौन कौन सी मिठाई की रेसिपी शेयर करूँ, वो रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ कुछ पेड़ों को मैंने तगार में कोट कर लिया है, कुछ बाकी हैं, लेकिन मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। एकदम नरम मुलायम बने हैं, ये देखिए हाथ लगाते टूट गए हैं, और ये देखिए अंदर का टेक्सचर कितना दानेदार आया है, एकदम परफेक्ट। ज़रूर ट्राई करिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। और ये लीजिए मैंने यहाँ पर सारे पेड़े को तगार में कोट करके सर्व कर दिया है। बहुत बहुत स्वादिष्ट पेड़े बने हैं, मस्ट ट्राई रेसिपी। अगर आपने ये नहीं ट्राई किया तो कुछ नहीं ट्राई किया। घर में रखे कम से कम सामानें बनाइए, हेल्दी टेस्टी आटे के पेड़े, जो बस मुंह में जाए, मक्खन की तरह घुल जाए, बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतने ही स्वादिष्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की आटे के पेड़े की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच प्रियंका किचन जोन।